इतने बड़े शहर का मेयर होना चाहिए, इस लिहाज से फेलियर है कि अगर ये आजाद जमहूरियत होती, बुनियादी जमहूरियत होती, जेन्युइन जमहूरियत होती तो मेयर के पास पूरा इख्तियार होता, पुलिस समेत सारे इदारे उसके पास होते। अगर वाटर बोर्ड और सीवरेज उसके पास नहीं है तो आप सीवरेज का तवक्को उससे क्यों रखेंगे? अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन गया है तो कचरा उठाने की तवक्को आप उससे क्यों रखते, वजीर आला से क्यों ना रखें आप? अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब मेयर के पास नहीं है और वो उसके मालिक वजीर आला है तो आपको बिल्डिंगों का बेहंगमपन और इसका टूट फूट जो है उसकी तवक्को और मुतालबा हमें वजीर आला से रखना पड़ेगा। वजीर प्रॉब्लम यह है इस शहर की और सिंध के शहरी इलाकों को एक मसनूई अकलियत जो है जिनका ताल्लुक इन शहरी इलाकों से है नहीं, उनके पास 100% इख्तियार है। कराची को किसके जिम्मे छोड़ा हुआ है आपने? कराची तबाह कर दिया है आपने, अब बहुत हो चुका। मैं और क्या करूं, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर ली है, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूं, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर ली, अब क्या करूं, यही कह सकता हूं और इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। काश डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मेयर कराची सच बोल सकते, इनमें सच बोलने की हिम्मत होती। ये जो कुछ भी कराची के साथ हो रहा है वो 18वीं तरमीम का नतीजा है और 18वीं तरमीम जो है वो नतीजा है उस सियासी फिक्र की जिसकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 1997 से लेकर 2010 तक हामिल थी, बल्कि उसके बाद तक 2015 कहा जाए तो बेहतर है। इनके दिमाग पे सिंधी कौम परस्ती की चर्बी चढ़ी हुई थी, इनके जहन में जीए सिंध बसा हुआ था और 97 से लेकर 2010 तक इन्होंने महाजिर कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग कहते हैं कि काम तो एमक्यूएम ही आती है, ओ भाई एमक्यूएम ने आपको बर्बाद किया है। आज जो सारा निजाम शहर का तबाह है ये तबाह इसलिए है कि इन्होंने अपने कायद के कहने पर, उसके हुक्म पर और अपने फलसफे के तहत, जीए सिंध के फलसफे के तहत, जीएम सैयद के फलसफे के तहत कराची को सूबे के हवाले कर दिया, बल्दियाती निज़ाम सूबे के हवाले कर दिया। और यही 18वीं तरमीम कहती है कि बल्दियाती इदारे सूबे बनाएंगे। तो यह है आपकी सूबाई खुद मुख्तारी जो आपने 2001 से, मुशर्रफ का जब दौर आया है तो वो वक्त था कि जब आप महाजरों के हुकूक हासिल कर सकते थे, मगर उस वक्त आपके जहन में जीए सिंध सवार थी, सिंधियों के हुकूक सवार थे, आपके जहन में सिंध की सूबाई खुद मुख्तारी सवार थी, सिंधु देश सवार था और जीए सिंध आपको बेवकूफ बना रही थी क्योंकि उन्होंने आपको कहा कि आप पूरा सिंध आपका है भाई, हम आपको सिंध पूरा दे रहे हैं। आप इस पूरे के चक्कर में आधा भी गंवा बैठे और आज भी बेगैरतों की तरीके से माफी नहीं मांगते। ये पढ़ लीजिए सारे बयानात, ये सारे बयानात जो हैं MQM.org से मैंने डाउनलोड किए हैं और तारीखों के साथ मैंने आपको बता दिया। उस जमाने के बयानात अखबारात के आर्काइव में निकाल लीजिए, आपको ये सारे बयानात मिल जाएंगे। इनको जीएम सैयद प्यारा था, इनको जो है जीएम सैयद का बेटा बनना था, सिंध धरती माँ का बेटा बनना था, मतरूका सिंध का इनके से कोई ताल्लुक नहीं था। मतरूका सिंध खड्डे में जाए, 90% महाजनों की जमीन सिंधी खाया बैठा था 71 साल से, 1949 में महाजनों को मारा है सिर्फ जमीनों पे कब्जे के लिए, 70 की दहाई में महाजनों को मार मार के अधमुआ कर दिया जीए सिंध ने, तालीम इदारों में जाने नहीं दिया। और मगर ये महाजिर जो समझते हैं कि एमक्यूएम के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, अल्ताफ हुसैन हमारा शहर को चलाते रहे, वो ये नहीं पूछते कि उन्होंने हशर क्या किया, कुछ नहीं पूछते। और आप अगली गुफ्तगु सुन लीजिए हैदर बास रिजवी की साहब की जो 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त उन्होंने कही है। तो भाई 18वीं तरमीम में धोखा नहीं हुआ, वही हुआ है जो इन्होंने चाहा, वही हुआ है जो मंजूर अल्ताफ हुसैन था, वही हुआ है जो मंजूर एमक्यूएम था। खुदा हाफिज। क्या जज्बात है आपके आईनी कमेटी में सिफारिशात पेश कर दी? हम खुश हैं कि अपने सिंध के लिए अगर सब कुछ नहीं ले जा पाए तो कुछ ना कुछ जरूर लेके जा रहे हैं। सर कंकरेंट लिस्ट का खात्मा होने जा रहा है और उसके बुनियाद पे और जो सूबाई असेंबली है उसके दिन बढ़ाने से क्या वाकई खुद मुख्तारी की तरफ हम जाएंगे? देखिए कंकरेंट लिस्ट तो बहरहाल एक बड़ा स्टेप है, उसमें चीजें काफी डिवॉल्व हो जाएंगी सूबे को
اور اس کے بعد جو دیگر اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے جو صوبہ سندھ کا کوئلہ ہے یا صوبہ سندھ کی گیس ہے اس پر سندھ کو بھی برابر کا حصہ دلوایا ہے وفاق سے، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیلز ٹیکس میں جو سیلز ٹیکس اینڈ سروسز ہے ہم نے اس کو کانسٹیٹیوشن کور دلایا ہے، تو یہ چیزیں کافی بہتری کی طرف ہوئی ہیں. تین اور ٹیکسز ہیں جو پراپرٹی ٹیکس وغیرہ یہ سارے یہ سندھ کو چلے جائیں گے انشاءاللہ، تو سندھ کے پاس کافی بہتری آئے گی. سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم نے اختلافی نوٹ بھی لکھے ہیں اس میں، خاص طور پر ٹیکسز کے حوالے سے، وہ ہم سمجھ میں پائیں گے. دیکھیے سندھ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والا صوبہ ہے اور ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ٹیکسز جو ہیں وہ صوبوں کو جانے چاہیے، جس طرح دیگر اور چیزیں صوبوں کے پاس ہیں ٹیکسز جانے چاہیے. تو کچھ ٹیکسز دیے گئے ہیں اور کچھ ٹیکسز نہیں دیے گئے. جب نہیں دیے گئے تو وہاں پر ہم نے نوٹ آف ریٹریشن دیا ہے اور ہم نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ یہ جو سیلز ٹیکس ہے خاص طور پر جو پاکستان کا ایک بڑا ٹیکس ہے، اگر صرف سروسز سندھ کو دے دیا گیا ہے اور گڈز نہیں دیا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے. پورا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ڈیوالوڈ ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس پر اختلافی نوٹ دیا ہے.